स्वागत है आपके चैनल वेल्थ अनमोर। ये वीडियो में कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। मैंने ये स्टॉक के ऑलरेडी कवर किया है, इसको 980 का सपोर्ट है, उसके पहले आपको इसको बाय नहीं करना है। ओके, RSI अभी अराउंड 35 है, तो RSI भी वीक नहीं है, तो मुझे लगता है 980 के नीचे आपको मिल जाएगा। आज उसमें अराउंड 3.5% की गिरावट हुई है। ओके, तो इंडसइंड बैंक अभी तो वीक है, उसने अभी जो उसका ऑल टाइम हाई है 1232 से अभी वो स्टॉक अभी करेक्ट हो गया अराउंड, यहाँ पे अगर मैं 80% करेक्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो 980 का लेवल है 20% करेक्शन है, और उसका 30% का करेक्शन आता है अराउंड ये जो लेवल है 811 का। तो ये 811 का ये जो लेवल है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो ये 881 और 980 का ये जो जोन है, आप इसमें इसको बाय कर सकते हो। 980 के बाद में अगर ये RSI उसका 30 के नीचे नहीं जाता है, आपको उसको 9910 के लिए वेट करना है। ओके, अगर ना ये बहुत टाइम यहाँ पे अगर स्पेंड करता है तो 980 से रिवर्स हो जाएगा। अगर ये जल्दी यहाँ से नीचे 980 के नीचे आता है, मुझे लगता है ये 910 या 950 के लेवल में आ जाएगा। ओके, 910 और 950 के लेवल में आ जाएगा ये, उसका RSI जब तक तो होल्ड होता नहीं तब तक। तो ये था पहला स्टॉक इंडसइंड बैंक। कुछ मेरी ओपन पोजीशन है, मेरा 6400 का कुछ प्रॉफिट हुआ है। अभी मैंने शॉर्ट किया है लुपिन को। लुपिन शॉर्ट करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे हम देखते हैं तो ये स्टॉक अभी ऐसा रिट्रेस हो गया यहाँ से, देन यहाँ से ये स्टॉक ने अभी ये अगर मैं निकालू तो इसका चार्ट अभी तो ये ऐसा यहाँ पे आया है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। ये उसका अंदर लेवल है 935 का, तो 942 पे मैंने उसको शॉर्ट किया है। अगर ये मार्केट अभी तो टर्न पॉजिटिव हुआ है, बट मुझे लगता है वो सस्टेन नहीं करेगा। ये स्टॉक अराउंड 940 या 935 के अराउंड ये आ जाएगा ये स्टॉक। ओके, मैंने इसलिए अभी लुपिन को शॉर्ट किया। ये रेंज में है अभी तो, कुछ ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है JP पावर। ये स्टॉक का अगर मैं हाईलाइट करूँ यहाँ पे, तो उसका बुक वैल्यू 9 रुपीज़ और अभी वो ट्रेड कर रहे हैं 4.8 4.7 पर। तो कंपनी फंडामेंटल्स अभी इसमें नहीं चेक करूँगा, बट ये आई थिंक ये जो स्टॉक है अभी ये इसका सपोर्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 3.95 अराउंड 4 रुपीज़ के अराउंड सपोर्ट है। अभी ये 4.75 पे चल रहा है। आपको अगर ये जोन में मिलता है तो आप इस पर बाय करके चल सकते हो। सिंस कंपनी काफ़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय कर दिया है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, बट मुझे लगता है ये अभी वैल्यू इन्वेस्टिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 4 के अराउंड मिलता है तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है टोरेंट फार्मा। ओके, टोरेंट फार्मा अभी ऑल टाइम हाई से उसके अराउंड करेक्ट हो गया है, वो 15% करेक्ट हो गया है। अभी वो 2826 पे लेवल पे कर रहा है। मुझे लगता है आपको इसको वेट करना चाहिए, स्टॉक को अभी बाय नहीं करना है आपको। इसका जो लेवल है 2310 जो कि आता है अराउंड 30% के करेक्शन पे, तो आपको वेट करना है। स्टॉक यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा ही, उसका अभी सपोर्ट जोन है ये जो 2700 का लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंड बैक हो सकता है। बट मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो तो कंपनी अच्छा है, तो ये 2300 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये जोन में भी आप उसको अकोमोडेट कर सकते हो, बट सिंस अभी स्टॉक थोड़ा प्रेशर में है या अभी डाउन ट्रेंड में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है ये 2700 के लेवल पे। मेरे लिए आइडियल बाइंग होगा 2300 का लेवल। नेक्स्ट स्टॉक है अलम्बिक फार्मा, मेरा फेवरेट स्टॉक है ये वाला। अभी ये स्टॉक रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसने रिसेंटली लो लगाया था एक 720 का लो लगाया था ऑल टाइम लो, एंड देन लो से थोड़ा अभी अप हुआ था, बट अभी शायद ये कंसोलिडेट हो रहा है। अभी ये स्टॉक आपको ये जो 740 का लेवल है आप यहाँ पे आ जाना चाहिए, अगर इसका कुछ ऐसा पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है, क्योंकि अभी रिट्रेसमेंट में यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, अदरवाइज ये 740 के लेवल पे आ जाएगा। तो आपने बाइंग नहीं किया तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि अच्छा कंपनी आपको अराउंड 37% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। बड़ा कंपनी, अच्छा कंपनी, इसका एनालिसिस वीडियो मैंने बनाया है, आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है एशियन पेंट, एक काफ़ी फेवरेट स्टॉक है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का। तो यहाँ पे उसका 30% का करेक्शन आता है अराउंड 2400 का लेवल। ओके, 2400 से लेवल से लेके 2300 के लेवल में आप इसको बाय कर सकते हो। ओके, अभी आप पोजिशनली आप इसमें ये जो सपोर्ट है ये यहाँ पे हो, अभी ये जो ट्रेंड लाइन है जो कि आता है अराउंड 2900 का लेवल है, 2970 से ये बाउंस बैक होना चाहिए। बट अभी RSI अभी तो वीक हुआ नहीं है,
मुझे लगता है ये जो उसका लेवल है 2400 से 2300 का, इसी लेवल में आप उसको बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, बड़ा कंपनी है, इसलिए 30% के डिस्काउंट पे अगर मिलता है तो आप उसको अकुमलेट कर सकते हो, बाय ऑन डिप भी कर सकते हो 2900 से लेके 2400 का, ये काफ़ी बड़ा रेंज हो जाएगा। आप इस पर कैपिटलाइज नहीं कर सकते, अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आप वेट करो, क्योंकि निफ्टी में भी मुझे लगता है करेक्शन आ सकता है। तो ये कुछ स्टॉक है, अभी मेरा ये पोजीशन थोड़ा लॉस में चल रहा है अराउंड 165 रुपीज़ के, क्योंकि अभी ये इसने बाउंस बैक दिए है, ये सडनली इसने अभी ये मूवमेंट दिया है, RSI तो अभी वीक ही है, तो वेट करूँगा इसको मैं, क्योंकि 3 बज गया अभी, तो ये क्लियर ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि इंट्राडे का पोजीशन है, तो माइनर सा लॉस से मुझे बुक करना पड़ेगा, नहीं तो मैं वेट करूँगा थोड़ा, अगर इसमें लास्ट मोमेंट में अगर सेलिंग प्रेशर आता है 315 के अराउंड तो मैं उसमें एग्जिट हो जाऊँगा। आज फिर भी अराउंड 6000 प्लस का प्रॉफिट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ये वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज वीडियो है, कोई भी एनालिसिस करने के पहले आप खुद का एनालिसिस करो और कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।